नमस्कार, स्वागत है आपका केकेआर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की ओर। गुना में युवक की मृत्यु पर पुलिस के खिलाफ मृतक के परिजनों ने प्रदर्शन किया है। हाईवे पर डेड बॉडी रख के चक्का जाम किया है। मौके पर पुलिस पहुंची और प्रशासन के अधिकारी युवक की मौत को लेकर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पुलिस चौकी पर युवक के साथ मारपीट की गई है। थाना प्रभारी पर कार्रवाई को लेकर मृतक के परिजन अड़े हैं। युवक की मौत को लेकर अफसरों ने जांच का आश्वासन भी दिया है। प्रशासन के अधिकारी मृतक के परिजनों को समझाने में लगे हुए हैं। मृतक के परिजनों का कहना है, मृतक भोपाल इज्तिमा से आ रहा था, पुलिस चौकी में रोक कर उससे पूछताछ की गई थी। केकेआर न्यूज के लिए भोपाल से संवाददाता रईस खान की रिपोर्ट। सद्दाम पुलिस का दलाल है, ये हम लोग कितने पैसे की मांग की थी आपसे? 20 लाख रुपए की। कौन ने की थी? कैंट पीआई साहब, कैंट सारे में गई थी और कैमरा देखवा जा। मैं 5-6 बजे तक वहाँ पे रुक के आई हूँ। आज की बात है, इनको थाने पे लेके कब आए थे? थाने की, थाने पे कब लाए थे इनको? कैंट थाने थाने जो ये खत्म हुए इनको। अरे भैया नहीं लाए कैंट थाने, अभी हाला की बात है। भोपाल गाड़ी आई थी, उसमें उतरा और वही चौकी पे पकड़ कर वही खत्म कर दिया। कब? अभी आज क्या मामले में पकड़ा था इसको? एक मिनट दीदी, एक मिनट किस मामले में पकड़ा था इनको? कोई मामला नहीं है, रिपोर्ट में देखा जाए क्या मामला है। पुलिस से तो रिपोर्ट में FIR देखी जाए अगर इसका किसी में नाम हो तो। ये कहाँ भोपाल थे? कब से रुक रहे थे ये भोपाल? 3-4 दिन हो गए। तो कैंट पुलिस ने मारपीट की है? हाँ, मारपीट नहीं थी, तो क्या पता। डेड बॉडी को बगल में ला रहा आपको नाम बता दो, गिरफ्तार करके ले गए थे। आपको नाम बता आरक्षकों के? नाम बताओ आपको, जो भी पुलिस वालों पे बताओ कौन कौन ले गए जो गिरफ्तार करके ले गए थे। वो कोई का नाम नहीं जानते, सकल से जानते हैं नाम से नहीं जानते। मुझे भी उठा के ले गए थे, सकल से जानते हैं नाम से नहीं जानते, नाम से नहीं जानते। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।